हेलो फ्रेंड, जय माता दी। मैं हूँ शीता, आप सब देख रहे हैं शीता मनिहारिया यूट्यूब चैनल। तो हमने दर्शन 5 बजे कर लिए थे, हम ना 2:30 बजे उठ गए थे। फिर सारे उठ के नहाए और रेडी होके फटाफट हमने जो है वो दर्शन कर लिए थे। हम अपना मतलब निकल गए थे 4:30 बजे और हमारे आधे घंटे में जो है वो दर्शन हो गए और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हमें, क्योंकि ना सुबह सुबह के टाइम इतनी भीड़ नहीं होती है। तो हमने जल्दी जल्दी जो है वो दर्शन कर लिया और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए सबको। और तो फ्रेंड्स, आप सब भी इतने दर्शन कर लीजिए माता रानी की पिंडी स्वरूप का। सब दर्शन कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी के पिंडी स्वरूप का, जिसमें कि दर्शन कर रहे हैं माँ काली के, माँ सरस्वती के और माँ लक्ष्मी के। फिर हमने जो अपने लोकर वगैरह में बैग वगैरह रख रखे थे वो लिए जाकर, और अभी आप मेरे पीछे का देखो कितना ज़्यादा अच्छा हो रखा है। और ये खड़े मेरे पास पापा, और अभी बस हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। पूरी वीडियो में बने रहिएगा गाइस, जैसे कि आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा कि हम हेमकुटी वाले रास्ते से आए थे और अब हम जाते हुए जाएंगे अर्धकुंवारी वाले रास्ते से, मतलब जो पुराना रास्ता है वहाँ से। तो जो डिटेल्स उसमें रह गई थी वही जो डिटेल्स इसमें आ जाएंगी। और ये देखो कितना सुंदर जो है पीछे भी हो रखा है, और यहाँ का पूरा माता का भवन दिख रहा है यहाँ से। ये देखो जय माता दी। ये सारे कैसे हुए दर्शन? बहुत बढ़िया। तो देखो पापा पीछे सेल्फी में लगे हुए हैं। भाई अपने में पर्स मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है ले जाना, तो वो सब आप जो है वो लॉकर में ही रख के जाइएगा। फ्रेंड्स, ये है 5 नंबर गेट, यहाँ से माता के दर्शन के लिए जाते हैं। लॉकर 2 और 3 नंबर जो है वो इधर है, जो आपने अपना कोई सामान वगैरह रखवाना है। तो ये देखो अब ना कितनी दूर तक जो है वो लाइन लग गई है, क्योंकि अब दर्शन जो है वो बंद कर दिए हैं, आरती हो रही है इसलिए। फ्रेंड्स, ये जो आप लंबी लाइन देख रहे हो ना, ये रोपवे के लिए है और इसमें ही हम अभी लग गए हैं। हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट करने लगे थे, लाइन पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी, तो हम इसमें ही लग गए अभी। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 6 और हम खड़े हैं रोपवे की लाइन में, और जो रोपवे है वो 7:30 बजे काउंटर खुलेगा, और देख लें फिर हमारी बारी जो है वो कितनी देर में आती है। फ्रेंड्स, भवन के पास आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं सागर रत्ना में ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये रहा सागर रत्ना, यहाँ पे ना बिना अनियन एंड गार्लिक के जो है आपको खाना मिलेगा। और ये देखिए अंदर का एम्बियंस कुछ ऐसा है, और वो सारे बैठे हैं वहाँ पे। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 6:30 और हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि ना अभी 7:30 बजे जो है वो काउंटर खुलेगा, तो हमारी बारी पता नहीं कब तक आएगी। तो हम पापा को लाइन में खड़ा करके सारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं। अभी देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ का मेन्यू, और यहाँ पे ना सेल्फ सर्विस है और बिना अनियन गार्लिक के, वो तो मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे आपको डोमिनोज पिज्ज़ा भी मिल जाएगा बिना अनियन गार्लिक के। फ्रेंड्स, मैंने अपने लिए लिया है मसाला डोसा, और भैया ने लिया है रवा मसाला डोसा, और मम्मी और मासी अभी नीचे गए हैं, मम्मा बैठे थे ना उनके पास, और नैतिक अपना जो है वो लेने गया है। फ्रेंड्स, मम्मी और मासी आ गए हैं मम्मा को लेकर, और मासी ने अपने लिए मंगाए हैं दही बड़े, और ये नैतिक और मम्मी ने अपने लिए मंगाए हैं छोले भटूरे। ये ना सब कुछ बिना अनियन गार्लिक के हैं, ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए। मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया है डन, और अब ये सारे कर रहे हैं। पापा भी आ गए हैं, भैया चले गए हैं ब्रेकफास्ट करके, पापा आ गए हैं, और अभी जाके लगते हैं लाइन में। और ये देखो 7 बजने वाले हैं, आधा एक घंटा बस हमको लाइन में लगना पड़ेगा, और फिर हम चलेंगे भैरव बाबा पे। और ये देखो ये मेरे कपड़े के ऊपर गिरता है, देगा भी तू। अब बज गए हैं 7 और हम लग गए हैं लाइन में, और हमारी लाइन जो है वो काफ़ी आगे आ गई है। देखते हैं रोपवे कितनी देर तक जो है वो चलता है, क्योंकि धुंध है ना वो काफ़ी हो रही है, आपको दिख रही होगी। अभी हम खड़े हैं लाइन में, क्योंकि जो रोपवे है ना उसके भी टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग चलेगी उसके बाद जो है वो मतलब स्टार्ट करेंगे ऊपर और नीचे। देखो कितना फॉग हो रहा है, सामने के भवन भी नहीं दिख रहे, कितनी ज़्यादा फॉग हो रही है। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं ऊपर, यहाँ से हमें मिलेगी रोपवे के लिए टिकट। और ये देखे साई लाइन जो है वो उसी की लग रखी है।
आपका बच्चा 3 साल या उससे ऊपर उम्र का है तो उसकी पूरी टिकट लगेगी गाइस। और बाहर देखो धुंध कितनी हो रखी है और अभी भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। फ्रेंड्स ये रहे टिकट काउंटर्स, यहाँ पे सबको अपनी ना अलग अलग टिकट लेनी पड़ती है, मतलब पर पर्सन को वो एक ही टिकट दे। फ्रेंड्स वहाँ से टिकट लेके फिर वो स्कैन करके आपको ऐसे भेजते हैं। फ्रेंड्स ये रही रोपवे की टिकट जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा दी जाती है और ये ना रिटर्न मतलब आने जाने की दोनों की होती है, ये 100 रुपीज़ की मिलेगी आपको। फ्रेंड्स हमें वहाँ जाना है नीचे रोपवे के लिए, देखो नीचे रोपवे खड़ा है, इसमें भी जो लोग हैं वो खड़े हो रहे हैं और ये चल पड़ा, हम भी ऐसे ही जाएंगे अभी थोड़ी देर तक। इसमें ना एक साथ 50-60 बंदे जाते हैं, ये देखो कितना बड़ा है। यहाँ पे अंदर होगी पहले चेकिंग। फ्रेंड्स ये देखो ऊपर से रोपवे आ रही है और इसी रोपवे में जो है ऊपर जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं रोपवे के अंदर, रोपवे बिल्कुल जैसे मिनी बस होती है ना ऐसी है, देखो 50 या 60% एक बारी में जाते हैं ऊपर। और अभी यहाँ से मैं आपको सारा नीचे का व्यू दिखाऊंगी। ये हो गए हैं गेट क्लोज। फ्रेंड्स हमारी रोपवे है जो वो चल चुकी है और अभी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। ये देखो सामने बिल्कुल माता रानी का भवन दिख रहा है। देखो बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बिल्कुल धुआं। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। हम पहुंच गए हैं, उतरते हैं अब नीचे फिर आपको बताते हैं। फ्रेंड्स हम आ गए हैं रोपवे से बाहर और अब बस हमें यहाँ से थोड़ा सा चलना है और बाबा भैरवनाथ के हमें दर्शन हो जाएंगे। फिर लंगूर बहुत ज़्यादा होते हैं, देखो ये बैठे हैं लंगूर। रोपवे वाले गेट से जैसे आप बाहर आओगे ना एग्जिट गेट से तो यहाँ पे आपको कॉफ़ी कैफे डे भी मिल जाएगा, कॉफ़ी कैफे डे। और इधर ही बिल्कुल आपको साइड में मिल जाएगी डिस्पेंसरी, जो मतलब आपको कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। और यहाँ पे भी ऊपर जाने का रास्ता, चलते हैं ऊपर। श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रसाद है ना, यहाँ से आपको स्लिप मिलेगी और वहाँ से मिलेगा प्रसाद, हमने प्रसाद ले लिया है। अब चलते हैं आगे दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स ये रहा भैरव बाबा का मंदिर और ये देखिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है बाबा जी का धूना। हमारे भैरव बाबा पे दर्शन जो हैं हो चुके हैं और जो हमारी यहाँ की यात्रा है वो एक तरफ से पूरी हो जाती है। ये माता ने भैरव बाबा को वरदान दिया था कि कोई मेरे दर्शन करने आएगा फिर वो मेरे बाद आपके दर्शन करेगा तो उसकी यात्रा जो है वो पूरी होगी। तो अब बस हम जा रहे हैं नीचे की ओर, आपको पूरी डिटेल्स वगैरह देंगे। जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। और देखो यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर जो है वो भजन चल रहे हैं, वो चलते हैं नीचे की ओर कटरा की ओर। मम्मा के लिए खच्चर के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना पालकी नहीं हो रही इसलिए तो उनको खच्चर पे बैठना पड़ेगा। फ्रेंड्स हम चल पड़े हैं यहाँ से कटरा की ओर और मम्मा को जो है वो हम अभी बिठाएंगे घोड़े पे अर्धकुंवारी तक क्योंकि वहाँ पे भी दर्शन करने हैं। और बस हम तो यहाँ से जो है वो चल पड़े हैं, यहाँ से अर्धकुंवारी का जो मंदिर है वो 6 किलोमीटर है। मम्मा बैठ रहे हैं घोड़े पे, बैठ के पकड़ के बैठ जाओ, बैठ गए घोड़े पे। ठीक है मम्मा, ठीक है ना। तो मम्मा चल पड़ी हैं घोड़े पे, बोलो जय जय श्री राधे, जय माता दी। हाँ जी छत यहाँ से 2 किलोमीटर है और हेलीपैड 2.700 किलोमीटर। फ्रेंड्स ये रहा हेलीपैड, जब आप हेलीकॉप्टर से आते हो तो आप यहाँ पे उतरते हो। मौसम की वजह से ना कभी कभी हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं चलते हैं, तो मतलब जो आपने ऑनलाइन भी टिकट करवा रखी है तो कभी कभी ना वो भी कैंसिल हो जाती है। और वो दिख रही है सामने सांझी छत। जी हमने लिए हैं फर्स्ट एयर्स, यहाँ से चलते हैं क्योंकि चढ़ते हुए जो है ना पौड़ियाँ नहीं लेनी चाहिए, उतरते हुए तो ठीक लगती हैं पौड़ियाँ, इतनी मुश्किल नहीं पड़ती। देखो मम्मी पापा तो चले भी गए ना, सांझी छत जो है वो पहुंच चुके हैं ये देखो मेरे पीछे। और हम ना यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट में पहुंच गए, हमने 8:40 पे जो है वहाँ से उतरना शुरू करा था और अभी 9:11 हुए हैं। ये रही मेरे पीछे सांझी छत और ना बहुत अच्छी हवा लग रही है और भैया और जो है वो तो हमसे पहले ही आगे बैठते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं आपको यहाँ से व्यू, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आएगा। ये रही सांझी छत,
अभी ना मैं आपको वहाँ से व्यू दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ से व्यू कितना ज़्यादा सुंदर आ रहा है और काफ़ी ठंडी ठंडी जो है हवा लग रही है और थोड़ी थोड़ी ना धूप भी हो रही है, लेकिन हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है और ये बादल देखो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। शांति छत पे हमने 10-15 मिनट रेस्ट जो है वो कर लिया और अब चलते हैं आगे की तरफ। और शांति छत है ना, उसके बिल्कुल पास में ही है प्रसाद माता का, वो लेते हैं और चलते हैं फिर नीचे। ये रहा प्रसाद भवन, यहाँ पे प्रसाद मिलता है माता रानी का। और ये देखिए इतना सारी प्रसाद के लिए लाइन लगी हुई है जी। ये देखिए, ये है प्रसाद का समय, सुबह 7:30 से 2:30 बजे तक, दोपहर में 3:30 से 10:30 बजे तक रात के, और रात को 11:30 से सुबह 6:30 बजे तक। हमने ले लिया है माता रानी का प्रसाद और यहाँ पे बैठने की भी जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। वहाँ से जो है वो हम प्रसाद लेके आए हैं और यहाँ पे बैठ के जो है वो पाएंगे। फ्रेंड्स, हमने प्रसाद जो है वो पा लिया है और अब ना यहाँ से हम चल पड़े हैं और टाइम अब हो रहा है 9:50 हो रहे हैं। देखते हैं अब कोई तक कितने बजे तक पहुँचते हैं। कमेंट भी कर दो, एक दो कमेंट में जय माता दी। फ्रेंड्स, ये देखो चलते चलते एकदम धुंध आ गई। ये देखो कितनी ज़्यादा फोग हो रखी है। नीचे भी देखो, नीचे का भी कुछ भी नहीं दिख रहा, वाइट है एकदम। फ्रेंड्स, अभी अभी ना हम हाथी मत्था की जो चढ़ाई है वो उतर के आए हैं, चलते हैं नीचे को। फ्रेंड्स, ये हैं 76 स्टेयर्स, तो हम स्टेयर्स लेते हैं। ये हमारी सेकंड स्टेयर्स है जो हम ले रहे हैं। फ्रेंड्स, आते हुए हमने अभी तक जो है वो नंबर ऑफ 2 स्टेयर्स ले लिए हैं, क्योंकि ना उतरते हुए स्टेयर्स में इतना पता नहीं लगता, चढ़ते हुए ज़्यादा लगता है। इसलिए भी जब आप जैसे भवन से नीचे की ओर आए तो 1-2 स्टेयर्स आप लोग भी ले सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी बड़ी मत लेना। हमने छोटी छोटी ली है, जो पहले वाली थी वो 100 के आसपास थी और ये वाली 76 थी, क्योंकि काफ़ी मतलब छोटी छोटी होती है ना, तो एक दो राउंड है जो कवर हो जाता है। और ये देखो 10:16 जो हो गए हैं। हमें ना वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया प्रसाद लेने में और फिर हम शांति छत पे बैठ गए थे वहाँ पे। ये देखो फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा फोग है। हम ना अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं, लेकिन बस फोग ही फोग दिख रही है। और ये ना इतनी देर से ऐसे ही मौसम है, बट काफ़ी अच्छा है, गर्मी नहीं लग रही इतनी। ये देखिए सामने जो अर्धकुंवारी का मंदिर है वो आई गया बस थोड़ी सी दूर। और फ्रेंड्स, हम अर्धकुंवारी जो है वो पहुंच चुके हैं और मैंने आपको बताया था हम 8:40 पे चले थे और ये देखो 11:03 हो रहे हैं। वही हमें 2 घंटे लगा लो आप लगे होंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा घंटा ना हमारा वहाँ पर प्रसाद के लिए यूज़ हो गया था। मतलब जो हमने प्रसाद वगैरह खाया था वहाँ पर लग गया था, तो वही हमें 2 घंटे लगे अर्धकुंवारी माता तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पे भी काफ़ी जो है वो भीड़ लगी हुई है श्रद्धालु, क्योंकि ना यहाँ तक हाफ जो मतलब रास्ता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे रेस्ट वगैरह करते हैं श्रद्धालु जो है। और मैं आपको बता दूँ जो ग्रुप नंबर है ना वो 115 चल रहा है ग्रुप नंबर, और आपको ये बता दूँ कितनी वेटिंग चल रही है यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये देखिए अर्धकुंवारी से नीचे का व्यू, धुंध के कारण ना जो वो पूरा आपको दिख नहीं पा रहा होगा क्लियर, अन्नी तो ना यहाँ से पूरी कटरा की मार्केट दिखती है। और आप देख सकते हो फॉग कितनी है। अर्धकुंवारी को ना गर्भजून भी कहा जाता है, क्योंकि माता रानी यहाँ पे 9 महीने रही थी। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ना ये मान्यता है कि जो गर्भजून में ना एक ही बार जाते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये बोला जाता है कि माँ की जो गर्भ में बच्चा वो एक ही बार जाता है। तो हम तो सारे जा चुके थे, आपने देखा होगा पिछले साल हम सारे जाके आए थे, अंदर दर्शन करके आए थे, बट मासी ने और नैतिक ने जाना था। तो वेटिंग जो है ना वो 24 या 30 घंटे की यहाँ पे चल रही है, जो मतलब अभी 130 अभी नंबर चल रहा है और आप लगा लो तो अभी मतलब टाइम हो रहा है देखो 11:25 हो रहे हैं, तो 24 या 30 घंटे की यहाँ पे वेटिंग चल रही है। जो आप आते तो जाते जाते यहाँ से टिकट जो अपनी स्लिप ले जाओ और आते हुए यहाँ पे दर्शन कर लो। कल हम हिमकोटी वाले रास्ते से चले गए थे तो अर्धकुंवारी आई नहीं थी, तो इसलिए हमारी स्लिप जो थी वो मिस हो गई। और अब देखते हैं बात करके, वैसे तो मासी और से देखते हैं बात करके कि अब क्या करना है, क्योंकि वेटिंग जो है वो काफ़ी लंबी है और इतना आपको पता है यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते हैं। और मौसम की बात बोलूँ तो मौसम तो काफ़ी अच्छा हो ही रहा है, धूप नहीं है बिल्कुल भी और फोग हो रखी है, जिसके कारण हवा भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब थोड़ी देर बैठते हैं और फिर बस देखते हैं यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं, फिर चलते हैं कटरा की ओर नीचे।
ये देखो फ्रेंड्स, ऊपर भी जो बिल्कुल ऐसा ही मौसम हो रखा है। और ये है अर्धकुंवारी मंदिर, मतलब जो आप गुफा में नहीं जा रहे हैं ना, तो आप यहाँ से जाके दर्शन करके आ सकते हैं बाहर से ही। हम भी चलेंगे अभी थोड़ी देर तक अंदर, बट अंदर कैमरा फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। फ्रेंड्स, अपना अर्धकुंवारी में भी मैकडोनल्ड्स जो है वो ओपन हो चुका है, और 9 onion and 9 garlic प्योर वेज उसमें, और बीकानेर वाला भी। और ये यहाँ पे ना, मतलब जो आप भोजनालय में नहीं खाना खाना चाहते हो, तो काफ़ी और भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं जिसमें आप खाना खा सकते हो। हमने एक घंटा रेस्ट कर लिया है यहाँ पे। देखो, हमने यहाँ पे 11 बजे आए थे और अब 12 बज रहे हैं। बस अब निकल चुके हैं कटरा के लिए। हमने वहाँ पे एक तो मंदिर है, वहाँ पे दर्शन कर लिए। मैंने जैसे कि आपको बताई दिया है, तो अब बस कटरा के लिए निकलते हैं। पहले यहाँ पे खाते पीते हैं कुछ थोड़ा मोटा। मेरे मम्मा, मम्मा कैसा लग रहा है अब तक? मम्मी आपको कैसा लग रहा है? मम्मा तो अभी घोड़े पे आए थे, हमसे काफ़ी देर पहले आके बैठ गए थे यहाँ पे। और अभी खाना वगैरह खाते हैं, फिर मम्मा को पालकी या फिर घोड़ा दोबारा से करवा के देंगे यहाँ से। फ्रेंड्स, हम रुके हैं वीवी ट्रेडर्स भोजनालय पर। यहाँ पे भी 9 onion 9 garlic है, तो वो सारे तो अंदर बैठ गए हैं, जाके मैं भी चलती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा खाना जो है आ चुका है, राजमा और शाही पनीर और रोटी। मम्मा, मासी और मम्मी अभी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अभी टाइम नहीं हुआ खाने का, 12 बजे। तो हम तीनों खा रहे हैं, हम चारों, मतलब नैतिक भी हैं। फ्रेंड्स, हमारा लंच हो चुका है डन, और अब हम चल पड़े हैं कटरा की ओर। और ना, इस लाइन में ऐसे ही सारे बड़े बड़े जो है रेस्टोरेंट वगैरह, और सब पे आपको बिना अनियन एंड गार्लिक का खाना मिलेगा यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे वेटिंग हॉल भी है, क्योंकि अर्धकुंवारी पे आपको पता है 24 या 30 घंटे की वेटिंग चलती है, तो आप यहाँ पे ना वेट भी कर सकते हो। और ये देखो, यहाँ से व्यू नीचे की पूरी की कटरा की मार्केट दिख रही है, और वो ये देखो सामने रेलवे स्टेशन भी दिख रहा है यहाँ से। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और वैसे तो अभी तक फॉग ही काफ़ी है, ऊपर इतना क्लियर नहीं दिख रहा नीचे का भी, बट ये देखो आप। और ये देखो, यहाँ से प्रवेश द्वार भी दिख रहा है हमें ना, यहाँ तक जाना है, तो चलते हैं बस अब यहाँ से। और अभी टाइम आ रहा है, देखो कितना, और देखते हैं नीचे कितने बजे तक जाते हैं। फ्रेंड्स, मम्मा को दोबारा से बिठा दिया है घोड़े पे, और सामान भी हमने ट्रॉलियों में रख दिया है, और मम्मा जो है वो चल पड़े हैं, और हम भी चल पड़े हैं कटरा की ओर। फ्रेंड्स, ये साइन बोर्ड के प्राइसेस हैं, ये आप देख सकते हो, जो आपने मतलब खच्चर घोड़ा या फिर पालकी या फिर ट्रॉली वगैरह कुछ भी करनी है। फ्रेंड्स, मैं और नैतिक थक गए थोड़े से, तो हम दोनों ने ली है स्ट्रिंग एनर्जी। मम्मी और मासी अभी थोड़े पीछे, एनर्जी स्ट्रिंग एनर्जी। मासी अभी बस है, मम्मी और मासी थोड़े से अभी पीछे, भैया और पापा आगे, और नानी तो गए घोड़े पे। और हमें अभी चले हुए ना हो गया 1 घंटा होने वाला है, 50 मिनट हुआ अभी, और हमने काफ़ी जो रास्ता है वो पार कर लिया। बस हम जब से चले रुके ही नहीं, चले ही जा रहे हैं अभी तो नॉन स्टॉप। और ना देखो आप, वेदर में भी चेंज हो गया, धूप आने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो गर्मी लगने लगी, बट हम हिम्मत मार के चल रहे हैं अभी तो माता रानी की दया से। कहीं बैठे नहीं, कहीं सीट वगैरह मिलेगी तो बैठते हैं। ना काफ़ी नीचे आ चुके हैं, और यहाँ से ना प्रसाद की जो शॉप्स हैं वो शुरू हो गई हैं। जैसे आपने किसी के लिए प्रसाद लेके जाना है या फिर कुछ और भी, तो उसकी शॉप्स वगैरह यहाँ से शुरू हो गई हैं। जैसे आप चलते चलते थक जाते हो ना, तो आप यहाँ पे मसाज भी करा सकते हो, फुट मसाज, फुल बॉडी मसाज। फुट मसाज 30 की है, फुल बॉडी मसाज है 50 रुपीज़ की। मासी करवा रहे हैं, मासी के पैर दर्द होने लगे। हम पहुंच गए हैं चरण पादुका मंदिर, ये रहा मेरे पीछे। चलो चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम ना कल कर नहीं पाए थे जाते जाते, तो चलो चलते हैं अंदर चरण पादुका मंदिर। माता रानी के 9 स्वरूपों का दर्शन कर लीजिए आप सब भी। फ्रेंड्स, हमारे चरण पादुका में भी दर्शन जो है वो हो गए हैं, और अब चलते हैं। थोड़ा सा ही बस अब रह गया है कटरा, पापा वेट कर रहे हैं अभी यहाँ पे ना, तो पापा से मिलते हैं पहले। पापा हमारे यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे, तो हम आ गए हैं पापा के पास, और अभी पियेंगे
गन्ने का जूस। हाँ, मासी मसाज करा रही थी तो हम वेट कर रहे थे और पापा हमारा यहाँ पे वेट कर रहे थे, कोई बात है। तो अभी हमने मंगाए हैं गन्ने के जूस और नैपिंग में लेमन जूस और हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं। अब गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। हमारा गन्ने का जूस जो है वो आ चुका है और पापा और मम्मी, अच्छा लगा सबको, पीते हैं और प्यास बुझाते हैं। अभी आपको बताई थी कि धूप होगी, गर्मी होगी, जिसके कारण कल में चेन्नई में गर्मी हो रही है और हम वहाँ पे जूस वगैरह पीने लगे और उसने में ही बारिश स्टार्ट। अब तो मतलब थोड़ी सी कम हो गई है, बट एकदम इतनी तेज़ बारिश हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा, तो दोबारा से जो मौसम है वो ठंडा हो गया। बस हम जो बाथिन घाट है ना बाणगंगा का, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, दोबारा से कितनी तेज़ बारिश होने लगी। ये रही बाणगंगा और ये देखिए पानी जो है वो कितना पवित्र, कितना शीतल है और वहाँ से ऊपर से जो है वो धारा आ रही है और यहाँ से होते हुए नीचे जा रही है। मैंने यहाँ की जो कहानी है वो आपको कल भी बताई थी और आज ही बता देती हूँ। और एक ना मेरी विनती है, ये ऐसे काम ना प्लीज़ जो आप आते तो ना करें, बॉटल्स वगैरह यहाँ पर इसमें ना गिरें, क्योंकि यहाँ पर ना फिर ये गंदी हो जाती है तो फिर हम बोलते हैं कि कितना गंदा पानी है, करने वाले भी तो हम ही हैं ना। ये देखो बॉटल इसके अंदर ही गिर रखी है, यहाँ से होती हुई यहाँ पे आ रही है ये देखो, और नीचे होती हुई जा रही है यहाँ से। आप यहाँ पे स्नान कर सकते हो, लेडीज़ भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ना मतलब कपड़े वगैरह चेंज वगैरह करने के बूथ्स भी बने हुए हैं, वॉशरूम वगैरह भी हैं जहाँ पर आप कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हो। यदि बाणगंगा, इसको ना बाल गंगा भी कहा जाता है, माता रानी ने ना अपने यहाँ पे केश धोए थे इसलिए इसको बाल गंगा कहा जाता है। और बाणगंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता रानी ने तीर मारकर गंगा मैया को यहाँ पे प्रकट करा था और उनकी प्यास बुझाई थी, इसलिए इसको बाणगंगा भी कहा जाता है। जय माता दी। ना यहाँ पे फोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हो यहाँ की ड्रेस वगैरह पहनकर। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स हैं जिसमें आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो। ये ना 5 मिनट में आपकी फ़ोटो आपको बना के जो है वो दे देंगे। ये देखो कितने अच्छे अच्छे इन्होंने बूथ बना रखे हैं, डेकोरेशन कर रखी है। ये भी है बाणगंगा का बाथिंग घाट, जो मैंने आपको ऊपर पानी दिखाया था ना यहाँ पे, वो ही आ रहा है। यहाँ पे नीचे जाकर है गुलशन जी का लंगर, जो आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे जाके आप उनके लंगर में जा सकते हो। प्रवेश द्वार तक जो है वो पहुँच ही चुके हैं बस, और ये ना यहाँ पे लाइन लगी हुई है, जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलते हैं ना रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड के लिए हमें यात्रा के लिए, वो यहाँ पे रिटर्न करने हैं हमको, इसलिए ये लाइन लगी हुई है। ये देखो बारिश जो है वो कितनी तेज़ हो चुकी है और ये हम ना यहाँ पे शेड के नीचे ही खड़े हैं, अभी तक हमें 15 मिनट हो गए और बारिश जो है वो तेज़ पे तेज़ हो जा रही है। और अभी तक वैसे मम्मी और मासी भी नहीं आए, हम उनका भी वेट कर रहे हैं। और देखो सारे लोग यहीं पर खड़े हैं शेड के नीचे। एग्जिट गेट से बाहर आ चुके हैं और ना हम 1 घंटा बाद बाहर आए हैं, 3:30 बजे के हम जो वहाँ पे आ गए थे, हमने अपने आई कार्ड जो है वो सबमिट करवा दिए थे और अब 4:30 से ऊपर टाइम हो रहा है और हम ना अब बाहर आए हैं क्योंकि बारिश नहीं ज़्यादा तेज़ हो रही थी। अभी भी है बारिश लेकिन थोड़ी थोड़ी है, लेकिन फिर हम बाहर और बात आपसे होटल पर जाके करते हैं। जेरा प्रवेश द्वार और आप ऊपर का व्यू देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। फ्रेंड्स, हम अपनी माँ वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो पूरी करके अपने होटल रूम पे आ गए हैं और हमारी जो यात्रा है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी जो है वो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली लगी होगी, फुल डिटेल्स दिए मैंने वीडियो में जितनी मैं दे सकती थी। और ना मतलब जो आप यहाँ पर आते हो तो देखो यार अपना जो है रेनकोट ज़रूर लेके आना, क्योंकि हम भी मैं ना लेके ही आई थी बट नानी मामा आ गए ना तो उनके साथ हमने अपना बैग भेज दिया तो उसमें रेनकोट भी आ गया, इसलिए हमें सबको भीग के आना पड़े। तो माता रानी आप सबको भी जल्दी जल्दी बुलाएं, आप सब भी आइए, माता का आशीर्वाद लीजिए। अभी जैसे मैं पिछले साल आई थी इस साल भी आई हूँ, तो माता रानी मुझे जल्दी जल्दी बुलाती रहें और अपने दर्शन जो हैं वो देती रहें। उम्मीद करती हूँ आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी जरूर करके जाना। अभी हम 2 दिन जो है वो यहीं पे हैं तो अभी आपको ना और भी जो है वीडियोस आएंगी, तो इसलिए
चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो ताकि ये सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए, और कमेंट भी करना, मैं सबके कमेंट जो है वो रीड करती हूँ। कमेंट करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय माता दी, वो साचे दरबार की जय।